नमस्कार। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश बीजेपी के आधार स्तंभ कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी जी। जोशी जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव की बेला जो है वो नजदीक है, पार्टी को आप कहाँ पाते हैं जबकि तीसरी बार रिपीट होने की बात कही जा रही है? चुनाव की दृष्टि से पार्टी के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अगले महीने तक मैं समझता हूँ कि सितंबर में चुनाव संबंधी पूरी प्रक्रिया हमारी तय हो जाएगी। उम्मीदवारों का भी चयन इस बीच हो जाएगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, ये केवल हम नहीं कहते, अब तो अन्य लोग भी इसको स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों से मतदाता बहुत प्रसन्न है, बहुत संतोष है मतदाताओं में। और दूसरे, जनता के ऊपर कोई नया कर नहीं लगेगा इस बीच में, और उससे भी लोगों को बहुत राहत है। वो कहते हैं भाई इतना खर्च हो रहा है लेकिन हम पर कोई टैक्स नहीं लगाया, न किसान पर लगान बढ़ाया, न व्यापारियों पर टैक्स बढ़ाया, न किसी पर कुछ। जो वर्ग हमसे दूर रहता था इन 5 वर्षों में वो भी हमारे निकट आया है, ये मैं भी अनुभव करता हूँ, कई जगह मैंने देखा है। तो इन कारणों से निस्संदेह सरकार तो फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सब काम कुछ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत है, तमाम तरीके के आरोप व्यक्तिगत भी हैं उसमें और पार्टीगत भी हैं। देखिए, कांग्रेस का तो मैंने देखा है हमेशा उनके दो ही काम रहे हैं, ये सरकार बहुत भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं। आखिर प्रदेश की जनता के प्रति उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? और ये तो अब रहेगा कि कहीं किसी पार्टी की सरकार हुई, कहीं किसी पार्टी की होगी। आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश के हित में एक काम करा के लाए दिल्ली से? कभी वहां जाकर कभी भी प्रदेश के बारे में कोई चर्चा की सिवा शिकायत करने के? आज तक कभी नहीं। हम भी विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में रहने के बाद जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम खुद गए सरकार के पास। यहाँ बिजली का बड़ा संकट था, 2002 में हम लोग दिल्ली गए, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले और हमने उनसे कहा कि भाई मध्य प्रदेश में बिजली का संकट बहुत बढ़ जाएगा नहीं तो। तो उन्होंने कहा बुलाओ जरा विद्युत मंत्री को, बुलाया उनको, बैठकर हमारी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने दो नर्मदा की योजना स्वीकार कर दी और नर्मदा की दोनों योजना पूरी हो गई हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश को बहुत राहत मिली है। तो ये धर्म इनका भी था कि वहाँ जाकर एक समस्या सुलझाते। क्या इन्हें सुलझाई? भोपाल में नर्मदा का पानी आया, क्या योगदान है इनका? उनका कहना यह है कि साहब पूरे 10 साल तक कई क्षेत्रों में काम नहीं हो पाया, या काम हुआ तो सड़कें बनी पर वो उधड़ गईं, बिजली आई पर बिजली पूरी नहीं मिल रही है, ऐसे भी आरोप उनके हैं। नहीं, अब तो बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जब से फीडर बदल दिए हैं ग्रामीण क्षेत्र के, और उसके बाद कई जगह तो अब गाँव में बिजली पहले के बजाय बहुत अधिक मिलने लगी है और शहर में भी स्थिति ठीक ही है, कभी कभी बिजली जाती है इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसके कई कारण होते हैं। कई बार तो सुधार कार्य के लिए बिजली को बंद करना पड़ता है, कभी और कुछ अचानक घटना घट जाती है, लेकिन बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। और अभी जो 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट बन रहे मध्य प्रदेश में वो पूरे हो जाने के बाद तो मध्य प्रदेश से बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएगी हमारी सरकार। अगर हम ये बात करें कि वो ये कहते हैं बार बार के केंद्र ही मदद दे रहा है तभी आप सरवाइव कर रहे हैं, आपकी सरकार चल रही है, अदरवाइज कोई मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार के अपने नियमों के अनुसार उन्हें सब राज्य सरकारों को सहायता देना होती है, उसी के अंतर्गत वो दे रहे हैं, विशेष निधि थोड़ी दे रहे हैं सरकार को, जो हमेशा देते रहे वही दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं तो उसका ठीक प्रकार से उपयोग हो रहा है, इससे काम हो रहा है। पहले की केंद्र सरकार इतना देती नहीं थी, केंद्र सरकार पहले जो क्या सड़कों पर इतना पैसा खर्च करती थी? वो तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बने उनने घोषणा की कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, तब कहीं पैसा मिलने लगा सड़कों को जोड़ने के लिए, नहीं तो मिट्टी बिछाना मुश्किल हो जाता था गाँव में, ये कठिनाई थी। ज़्यादा समय तो सरकार इनकी रही है और इनकी सरकार रहने के बाद में 50 साल तक गांव में सड़क से नहीं जुड़े गांव, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो है। दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि साहब अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात कर लें, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है इस समय मोदी के उसके उनके प्रभाव में है और इस वजह से पार्टी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, या फिर उनकी स्वीकार्यता नहीं है मोदी जी की,
आपकी भी पार्टी में मोदी और वर्सेस अडवाणी इस तरीके की चीजें चल रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी को अभी पार्टी ने फिलहाल चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया है। कभी कभी बीच में कोई बोले हैं साहब यही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अभी कोई ये तय नहीं कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे देश के, वो तो उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चुनाव परिणाम आने के बाद। इसलिए इस मामले में दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं वो अनावश्यक है, बोलना कोई आवश्यक नहीं। आपके यहाँ एक जो मंत्री का कांड हुआ यहाँ राघव जी का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि कहीं किसी को संदेह न हो कि सरकार हमारी होने के कारण उनको बचाया जा रहा है, इसलिए उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर दी, जिससे कुछ लोग नाराज भी हुए। पार्टी जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही है, मामला अदालत में भी चला गया है, और इसलिए वहाँ से जो निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा कि भाई वास्तविक में घटनाक्रम कितना सच था कितना सुझट नहीं था। लेकिन पार्टी ने कोई अनावश्यक बचाव उनका इसीलिए नहीं किया कि पार्टी बदनाम न हो। आपको लगता है इस कांड से कुछ छवि पर असर पड़ा होगा बीजेपी की? छवि पर असर पड़ने का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैंने पता लगाया, मुझे मालूम हुआ कि जिस विदिशा क्षेत्र से वो लगातार जीत के आ रहे थे, उस विदिशा में ये घटना घटने के बाद भी उनका जो जन्मदिन आया बड़े उत्साह के साथ और बड़े मात्रा में लोगों ने मनाया, और मनाने के साथ साथ ये साबित हो गया कि विदिशा का कोई आदमी नहीं मानता कि ये जो हैं इस प्रकार के गंभीर आरोप से घिरे हुए हैं। क्योंकि आपके सामने भी संज्ञान में ये मामला आया, पहले आप मानने को तैयार नहीं थे, पर बाद में जब सीडी दिखाई गई तो आपने कहा नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पहले नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, पहले यही कहा गया था कि भाई जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं आ जाएगा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा महीना 15 दिन थोड़ी निकालना पड़ा। अभी बीच में मेनन साहब पे भी आरोप लग गए कि नहीं? वो तो सिद्ध हो गया कि वो आरोप झूठा था, उसमें कोई उसको प्रमाण नहीं मिला। चौधरी राकेश सिंह जिस तरीके से वहाँ उपनेता थे और छोड़कर बीजेपी में आए, आपको क्या लगता है क्या उनका भविष्य यहाँ रहने वाला है? देखिए, चौधरी राकेश सिंह से मेरी बात हुई, वो मुझसे मिलने आए थे। वो कोई सौदा करके पार्टी में नहीं आए हैं, वो स्वेच्छा से आए हैं। उनके पिताजी तो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे विधानसभा में, मुझे उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला है, और इसलिए वो आज आए हैं। तो उन्हें कुछ बदले में मांगा थोड़ी, न उनने टिकट मांगा, न उनने आज पद मांगा कि पार्टी में मुझे कोई पद दिया जाए, न टिकट की ख्वाहिश की कि मैं टिकट मुझे देते हो तब मैं आ रहा हूँ पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं। तो वैचारिक आधार पर तो कोई भी पार्टी में आना चाहेगा तो स्वागत है उसका, उसमें क्या बात है। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि साहब उनको खरीदा गया है, उनने तो उसका खंडन कर दिया है। अब कांग्रेस ने अगर आरोप लगाया तो प्रमाणित करे वो कि क्या डील हुई है। बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो आपको लगता है कि कुछ गुटबाजी जैसी स्थिति बीजेपी में है? देखिए, निचले स्तर पर कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदेश स्तर में कोई गुट नहीं है, प्रदेश स्तर में एक मत से चर्चा होती है, एक मत से निर्णय होते हैं, और प्रदेश स्तर के जो लोग हैं सबसे चर्चा करके ही संगठन भी निर्णय करता है, मुख्यमंत्री भी निर्णय करते हैं। आपकी पार्टी में कई विधायक ऐसे हैं जिनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है, क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, कई मंत्री भी ऐसे हैं, क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के टिकट जो है वो काटे जाना चाहिए? पार्टी ने इस बारे में दो प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। एक तो संगठन को कहा है कि आप हर विधानसभा क्षेत्र में पता लगाइए कि वहाँ जो आज विधायक है उसकी स्थिति क्या है और अगले बार क्या होना चाहिए। दूसरे, शासन के स्तर पर भी मुख्यमंत्री कुछ सर्वे करवा रहे हैं, और ये सर्वे जब आ जाएंगे तो उसमें से बात सामने आ जाएगी कि कहाँ किस विधायक की कैसी स्थिति है, उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। आवश्यक समय पर जब बैठेगी तो निर्णय लेगी पार्टी। अभी तक जो सर्वे आए हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि करीब 30-40 विधायक ऐसे हैं जिनकी छवि जो है बहुत अच्छी नहीं है, पार्टी ऐसे लोगों के टिकट काट सकती है। भाई, सर्वे के परिणाम क्या हैं ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारी सर्वे में चर्चा भी नहीं हुई और मुझे व्यक्तिगत तौर पर कुछ पता नहीं। लेकिन जो कुछ आए होंगे सर्वे, उसके आधार पर पार्टी में चर्चा तो होगी, और चर्चा होगी तब पता लगेगा कि किनके बारे में सर्वे में क्या आया है। पार्टी में एक वर्ग ये कहता है कि साहब ये जो प्रवासी लोग आते हैं, कांग्रेस से आ गए, अफसर लोग आ गए, इनसे पार्टी को कुछ फायदा होता है या आपका निचले स्तर का कार्यकर्ता हतोत्साहित? फायदा तो होता है, हतोत्साहित हमारे कार्यकर्ता होने का कोई कारण नहीं है। संगठन में नए नए लोग आएंगे तो उनके आने के कारण कोई पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ परख कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। और इसलिए नए लोग जो आ रहे हैं
वो आ रहे हैं ये समझ करके कि उनको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए आ रहे हैं। तो इसलिए उसके कारण कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। पर लोग कह रहे हैं कि साहब वो पद की लालसा में या चुनाव लड़ने की लालसा में ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये चुनाव के समय हम ध्यान रखेंगे इस बात का, पहले भी ध्यान रखते रहे हैं हम। कई बार ऐसी स्थिति भी बनी है कि नया आया हुआ व्यक्ति उपयोगी पाया गया, तो वैसे में निर्णय लिए हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है निर्णय। ऐसा नहीं कि जो सब बाहर से आए सबको हमने टिकट दे दी और अपने वालों को घर भेज दिया, ऐसा थोड़ी है, कभी नहीं ऐसा। यहाँ तो पार्टी इस बात को प्राथमिकता सबसे इस बात को देती है कि जो पार्टी के पुरातन काल से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका महत्व कहीं भी कम नहीं होने दिया जाता। उमा जी वापस लौटी पार्टी में, और अब उसके बाद चूंकि अब ये दूसरा विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है उनका उपयोग यहाँ मध्य प्रदेश में हो पाएगा? आज वो पार्टी के नाते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कहाँ काम में लगे, क्या उनसे काम लिया जाए, निर्णय अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। वो तो प्रदेश स्तर की नेता होती तो प्रदेश वाले लेते, लेकिन अब तो राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए उनसे कुछ चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ उनको काम सौंपेगा उस काम को करेंगे। जनशक्ति का विलय होने से कुछ बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, कोई अभी ताजी बात थोड़ी है। पर अब चूंकि कार्यकर्ता समाहित होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसका आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि पिछली बार तो चूंकि उन लोगों ने वोट काटे थे, तो अब क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, अब तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा हमको उसका, और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। एंटी इनकम्बेंसी को आप किस तरह से देखते हैं, क्या है या नहीं है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कुछ मामलों में क्षेत्रीय आधार पर दिखाई देती है, कुछ जगह समूह के आधार पर दिखाई देती है, लेकिन सामान्य रूप से प्रदेश में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई कर नहीं लगे, गलत कानून नहीं बने, गलत निर्णय नहीं हुए, जो योजनाएं शुरू की गई वो सबके लाभ की योजनाएं थी, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ इसमें, और इस कारण से एंटी इनकम्बेंसी सामूहिक रूप से कहीं देखने को नहीं मिलती प्रदेश में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समूह के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर कहीं कहीं हो सकता है विशेष कारण से। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पार्टी ने कुछ किया है? कर रही है पार्टी, उसका विचार कर रही है, हर जिले में उसकी तैयारी चल रही है, और अब तो हर विधानसभा क्षेत्र की बैठकें होने वाली हैं। उन विधानसभा क्षेत्र की बैठकों में छोटी छोटी बात को भी देखा जाएगा, क्योंकि वो निचले स्तर पर होगी बैठक। मोदी जी ने तो अपने क्षेत्र में खासतौर पर गुजरात में हाईटेक चुनाव प्रचार किया, आपको लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी वही तरीका कारगर साबित होगा? क्योंकि आपकी भी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, परंपरागत तरीकों से ही काम करना चाहिए। चुनाव तो लड़ा जाएगा परंपरागत तरीकों से, किंतु जो नए नए उपकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारे कार्य में सुविधाजनक सिद्ध हो सकते हैं, उनका निश्चित रूप से उपयोग किया जाएगा। आईटी का दायरा बढ़ाया है, इस चुनाव में हम बढ़ाएंगे। पार्टी में आपने भी इस बात पर चिंता जताई कि जो नए भाजपा के अध्यक्ष बने उन्होंने अपनी समय से कार्यकारिणी घोषित नहीं की, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी यही उनको नसीहत दी या हिदायत दी, क्या लग रहा है युवा वर्ग जुड़ पा रहा है पूरी तरीके से? युवा वर्ग तो हर जगह जुड़ रहा है, जहाँ जहाँ मेरे को जाने का अवसर आया मैंने देखा हर जगह युवा वर्ग जुड़ रहा, क्योंकि युवा वर्ग के मन में ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हमें पद मिलता है, कौन सा मिलता है, कौन सा नहीं मिलता। उनके मन में ये है कि हमारे भविष्य को कौन पार्टी संवार सकती है, और आज उनको लग गया कि कांग्रेस उनके भविष्य को नहीं संवार सकती, और इसलिए वो जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसलिए इसके पीछे कोई कारण नहीं है। और पार्टी भी इस बात को प्राथमिकता से ध्यान दे रही है, युवाओं के बारे में यथासंभव जो किया जा सके वो किया जाए। आज तक देश में कहीं ऐसी बात नहीं हुई जो पहली बार मध्य प्रदेश में हुई है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा कर दी कि जो युवक ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ लिख कर आ गए हैं, जानना चाहते हैं, वो नौकरी के पीछे ना भागें, वो गांव के अंदर ही छोटा मोटा काम करना है, कई कामों की जरूरत है गाँव गाँव में, इसलिए उन कामों को वहीं शुरू करें। उसके लिए उनको 25 लाख तक का लोन दिलाया जाएगा, ब्याज उसका 5% होगा, और बाकी जो सहयोग चाहिए वो सब सहयोग भी उनको दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा आवश्यक हुआ तो। तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है युवाओं को आगे लेने के लिए। नटशेल में बात करें, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी खामियां हैं और प्रदेश की कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से बीजेपी आगे रहने वाली? देखिए, मुख्य रूप से केंद्र की जो खामियां हैं वो इस प्रकार से आंकी जा सकती है कि इससे पहले कभी केंद्र की किसी भी सरकार में इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार नहीं रहा जितना इस सरकार में हुआ।
मैं 50 साल से राजनीति हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कोई मंत्री को जेल भेजना पड़ा हो, लेकिन ये पहली सरकार जिसको अपने मंत्रियों को जेल भेजना पड़ा, ये पहली बार देखा मैंने। और दूसरे, महंगाई जितनी बढ़ी इससे पहले कभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। कई सरकारें आई, इनकी भी सरकार वर्षों तक रही, पर इतनी भारी मात्रा में महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई बढ़ी कहाँ से? गलत योजनाओं के कारण बढ़ी है, भ्रष्टाचार के कारण बढ़ी है। इतनी इतनी महंगाई बढ़ने के कारण थोड़ी कुछ। कांग्रेस में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? क्या वहाँ गुटबाजी, या वो सीएम पद पर किसी को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? कांग्रेस में तो अभी गुटबाजी मिटी कहाँ है? पहले गुटबाजी तो मिट जाए, फिर वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने। अभी तो हर एक नेता अपने अपने उनके नाम ले रहे हैं, इनको बनना चाहिए, इनको बनना चाहिए, उनके क्या कहते हैं, तुमको ही बनाएंगे हम। तो इसलिए वहाँ की स्थिति तो वैसी है और वैसी रहेगी, वो सुधरने वाली नहीं है, कभी सुधरने वाली नहीं है। अभी जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया, नेता प्रतिपक्ष ने लीड ली, अब वो जगह जगह जाकर संभाग स्तर पर अविश्वास सभाएं कर रहे हैं, ये आपकी नज़र में कितनी उचित है? कोई मतलब नहीं है उसका, उसका कोई उपयोग नहीं है। आम नागरिक कानून कायदे जानता नहीं है, और इसलिए भले वो जाकर कहें हमारे साथ अन्याय हुआ, तो कहेंगे भाई जहाँ न्याय मिल सकता है वो कार्रवाई करो, यहाँ हमारे पास काय को आए हो, हम क्या करेंगे आज? इसलिए वो तो बेकार है उनका ये सारा परिश्रम, लेकिन वो ऐसे ही काम करते रहे, क्या करो उसका। अभी पिछले सप्ताह नसरुल्लागंज में उन्होंने कार्यक्रम किया, मैं भी उधर से निकला था उस समय, और मैं जब निकला तो कई कांग्रेस के लोग जो रास्ते में खड़े दिखे, तो मैं गाड़ी रोक के बुलाया उनको, पूछा क्या बात है, तो सब हंस रहे थे, क्योंकि वहाँ जो नेताओं के भाषण हो रहे थे वो वैसे ही हो रहे थे, कि जिनका कोई, जिनके पीछे तथ्य कुछ नहीं है, बस यही है, ये सरकार तो बड़ी भ्रष्ट है, ये हट जाएगी, बस भर जाओ, हटा दो। या एक चीज और भी निकल कर आ रही है, आपकी पार्टी की कुछ लोग कहते हैं कि इस सरकार में अफसरशाही बहुत हावी है, और उसकी वजह से जनप्रतिनिधियों की या पार्टी के नेताओं की सुनवाई कम होती है। देखिए, कहीं किसी के सामने ऐसा अनुभव आया हो तो वो बताए, मुख्यमंत्री को बताए, पार्टी अध्यक्ष को बनाए, तो ध्यान देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर सारी अफसरशाही जो है वो मनमानी पर उतर आई है, ऐसा कुछ नहीं। नियंत्रण है उन पर, और नियंत्रण करने के लिए सरकार में लोग बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी अधिकारियों से बात करते हैं, ऐसा थोड़ी है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए अधिकारियों से हम भी बात करते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आज भी 2-3 मामलों में मैंने अधिकारियों से बात की, तो इसमें बुराई, हम इसको बढ़ावा थोड़ी देते हैं। अगर पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की बात कर लें, तो वो एकदम जो आकांक्षा है उनकी के सीधे, जिसको कहें बिना संघर्ष किए कुछ चीज मिल जाए, पद मिल जाए, बड़े सत्ता मिल जाए, ये सारी चीजें जो हैं, लाल बत्ती मिल जाए, इस तरीके की चीजें जो आती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत से कार्यकर्ता मेरे को मिलने आते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखो भाई, हम भी पार्टी में काम कर चुके हैं, और हम पार्टी में काम करते थे तो जब ऊपर से कोई तय करता था कि भाई तुमको ये काम दिया जाए, तब हमें काम मिलता था, और इसलिए उस समय हम कोई मांग नहीं करते थे, क्योंकि मांग से थोड़ी मिलेगा, मिलेगा तो स्थिति को देख करके ही मिलेगा। जिस समय एक बार की स्थिति है कि जब नेता प्रतिपक्ष बना था, लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे ठाकरे जी ने, राजमाता जी ने बुलाया और कहा कि भाई किसको बनाना, मैंने एक नाम सुझाया, बोले इनको क्यों, मैंने कहा ये 10 साल से विधानसभा में है, अच्छा बोलते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, कानून अच्छा जानते हैं, इसलिए इनको बनाना चाहिए। बाद में ठाकरे जी फिर मिलने आए, उन्होंने कहा लोग तुम्हारा कहते हैं, मैंने कहा मुझे बना क्या करोगे आप, मैं तो मैट्रिकुलेट हूँ, और वहाँ तो कदम कदम पर कानून की जरूरत पड़ती है, उलझ जाऊँगा तो मैं नहीं, पार्टी बदनाम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने तय किया कि तुमको ही बनना है, मैं बना। तो ये स्थिति हमारे संगठन की है, अपने मुँह से हम पद नहीं मांगते, पद ऊपर वाले हमें सौंपते हैं, और इससे आज के कार्यकर्ताओं को भी यह ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास जो कार्यकर्ता आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम अपना स्थान तो बनाओ, अभी तुम चाहते हो साहब मेरे को कुछ भी बना दिया जाए, तो पहले अपने मंडल में तय करो कि जो लोग तुमको कहें साहब यही मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, यही जिला अध्यक्ष बनना चाहिए, यही यहाँ का सरपंच बनना चाहिए, यही यहाँ की नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहिए, ये दूसरे कहें तब बनोगे, तुम खुद कहते हो मेरे को अध्यक्ष बना दो तो इससे बात बनेगी क्या? तो ये कार्यकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे बहुत थोड़े कार्यकर्ता हैं जो ना समझ होने के कारण इस तरह की बात करते हैं,
बाकी जो कार्यकर्ता समझते हैं वो तो इस प्रकार की बात नहीं करते। तो त्याग, तपस्या और बलिदान बीजेपी की ये पहचान, तो क्या ये नारा अभी भी आपको लगता है कि प्रासंगिक है, चलता है? लगभग प्रासंगिक है, अपवाद कहीं कहीं हो जाते होंगे लेकिन लगभग प्रासंगिक है। पार्टी की अगर हम ये बात कर लें कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है पिछले बार की तुलना में सीटें बढ़ेंगी या उसके आसपास ही रहेंगी? देखिए इस समय क्षेत्रों का जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे के रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ क्या स्थिति बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहने की स्थिति में तो हूँ मैं कि सरकार तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो ये थे हमारे साथ बेबाक कैलाश जोशी जी। क्रॉस फायर में आज इतना ही, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।